अब की बार कांग्रेस सरकार रे जीत गई जीत गई जीत गई, पक्की बात है, गठबंधन ही जीतेगो, अब की बार कोई टक्कर में है ही नहीं। अरे यार चुन्नू हलवाई, तुम्हारी गाने में करछी घुमाऊं, तुम थोड़े से झांटू हो का? थोड़े से? अरे ये बहन को टना पूरो ही झांटू है, पूरो ऐसा की पूरी जिंदगी झांटों में फंसी पड़ी है। जब देखो बहन जो बिना सिर पैर की बातें करेगा, पता है ना कुछ है। अरे तुम दोनों ही चूतिया है गया, चूतिया तुम्हें पता भी है कुछ? अब हिंचो गधा की गाले आगे होती है या पीछे, ज्ञान है झांटे बारे बकचोदी पेलेंगे राते बारे। अब की बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी आतंक मचा रही है, आतंक हर जगह चर्चे है रहे हैं, बहुत हवा उड़ी पड़ी है। लिख के ले लो लिख के, 1-10% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गठबंधन ही जीतेगा। अरे बावली गांड, बीजेपी को नाम सुनो है तूने? एंड मौके पे ऐसो तख्ता पलटेगो, ऐसो तख्ता पलटेगो, तुम सब की गांड के नीचे से हवा बनके निकल जाएगी, बीजेपी सरकार, और तुम सब देखते रह जाओगे। हाँ अब बेईमानी करके तो भैया जीत ही जाएंगे, बेहिंचो खुली बेईमानी चलेगी, रातों रात बक्सा गायब होंगे वोटों के, तो ऐसे तो कोई भी जीत जाए, ईमानदारी से जीत के दिखाओ, अगर है गांड में तो बैलेट पेपर पे वोट कराओ। हाँ बासुड़ी के, जब हार जाओगे तो बेईमानी बेईमानी चिल्लाओगे, तो ज्यादा पता है ना, तू ही तो देख के आ रहा है कि बेईमानी है रही है ईमानदारी, मादर चोद कुछ पता है ना, बस फालतू फंड की बकचोदी करवा लो। अरे गाली मत दिए, नहीं अभी सब इलेक्शन की बड़ासत गांडे में घुस जाएगी, बहनचो वैसे ही तो मूड खराब है, बहनचो हमारा अखिलेश कितने साल से बिचारो सत्ता में नहीं आ पा रहा है, दिमाग की नसकी किल किल मत करे, नहीं अभी 2 मिनट में बीजेपी और कांग्रेस रह जाएगी, सब इलेक्शन रखे रह जाएंगे तो गांडे में। अरे 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 लड़ो मत यार, लड़ क्यों रहे हो, जो सरकार जीतेगी जीतने दो, हमें का खाने को दे रही है सरकार, जो उनके चक्कर में खोपड़ा फाड़ा फाड़ी खेले, हमें तब से तो नहीं पता है, खेत में जानो है और गेहूं खड़े हैं वो काटने हैं, और 4 पैसा मिलेंगे उनसे अपनो घर चलानो है, बीवी बच्चा पालने है। देखो भैया हम तो हैं अखिलेश के कट्टर सपोर्टर, कोई एक शब्द बोलेगो तो हम तो खुल्लो जूता बजाएंगे, उस समय खुल्लो जूता, और अखिलेश को ही सपोर्ट करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, जब तक जा शरीर में जान रहेगी तब तक अखिलेश के लिए ही रहेगी। तो हम भी लेके छुरा तैयार, धार वालों काटा कटाई वाले, एकदम कट्टर 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 सपोर्टर हैं मोदी के, जब तक क्या कही, जब तक जिएंगे वोट बीजेपी को ही जाएगा, चाहे महंगाई कच्चा बिकवा दे या बिकवा दे घर, वैसे तो खैर ऐसा नहीं होएगा कुछ अभी, हमें पूरा भरोसा है अपने प्यारे मोदी जी पे। तो एक काम कर, जा जाए के मोदी को गांड दे दे, ज्यादा गांड में अगर मोदी मोदी घुसो है तो, और तू जा जाए के अखिलेश को गांड दे दे, खूब दबाए के मरवा बिना थूक लगाए। हमारे अखिलेश को जरूरत नहीं है, डिंपल भाभी है उनके पास, तो तू जा जाए के अपने मोदी को दे, बिचारो कुआरो है कुआरो, हाँ तक ही सब लकीरें मिट गई होंगी, जा जाए के दे दे गाड़े। तू देखे आओ होएगा हमारे मोदी को, तभी तो इतनी डिटेल में पता है लकीरें मिट गई हैं या नहीं। अरे यार क्यों बहस कर रहे हो, सरकार तो सब एक है, मिली हुई है, बस मिल के हम पवाले को चूतिया बना रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार, मत लड़ो। मेरी सासुरी के तू ज्यादा बोले रहो, रुक तू रुकते ही बीजेपी सरकार अभी जितवाऊ, आज तू गा। हाँ आजा आजा साले, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की फाड़ के धूप में सुखा देंगे। कुछ समय बाद, यार पैसा कैसे कमाए समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यार मैंने तो सुनी है इलेक्शन के टाइम में आदमी बहुत पैसा कमाए जाते हैं, अंधो पैसा, अभी इलेक्शन अभी चल रहे हैं, हमारे पास मौका भी है, दस्तूर भी है, पर कहाँ करें भेंचो, पता नहीं है कैसे कमाए जाते हैं। अरे तूने सुनी है चूतिया, 100% सही बात है ये, आदमी कमाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे मोटो पैसा, अरे 10-20 साल को कोटा 1 महीना में कर लेते हैं, 1 महीना में, तो भेंचो हम कब कमाएंगे और कैसे कमाएंगे, भगवान बता दो कुछ आइडिया दे दो। हाँ यार हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, हम भी तो इंसान ही हैं, ऐसो कहा करना पड़ेगा जो हमें इलेक्शन में अंधो पैसा कमा ले। मेरी जानकारी में एक चुन्नी भाई है, चुन्नी भाई उनको कालो कारोबार है बहुत बड़ो, इलेक्शन के टाइम पे अंधी घपलेबाजी करते हैं, अंधी घपलेबाजी। अच्छा जी, ऐसो कहा काम हुए थे चुन्नी भाई को? अरे यार डायरेक्ट डायरेक्ट बातचीत है पार्टियों से, मोदी योगी अखिलेश राहुल गांधी मायावती के सब उनके घर चाय पीने आते हैं, चाय पीने। अरे मैया बड़ो पहुँचो वो आदमी है फिर तो। अरे ऊपर तक बातचीत है उनकी, ऊपर तक चौकी थाने के केस तो ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करवा देते हैं, चुन्नी भाई नाम है, अरे बहुत डेंजर आदमी है, सिक्का चलाते हैं एरिया में सिक्का। यार तो चलो फिर हम तुम भी चले रहे हैं उनके पास, कहा पता इलेक्शन में कोई काम हो उनके पास, हमारे लायक तो थोड़ा बहुत मोटो पैसा हम भी कमा लेंगे यार। हाँ हाँ चले तो रहे हैं उनके पास,
भाई पैसा होएगो मैं तो चुन्नी भाई को पटाऊंगो अपनी मीठी मीठी बातों में, उनको पर्सनल नौकर बनने को भी तैयार हूँ। अरे अगर गाने मांगेंगे तो गाने भी दे दूं मैं तो चुन्नी भाई को। अरे गंडी की औलाद, हमेशा गाने मरवाए कहीं जीते पाएगा तू? मेहनत तो ते बसकी है ही नहीं। तो ज्यादा पता है मेहनत नहीं है बहनचो, एक बार कभी गाने मरवा के देखिए तब पता चलेगी कितनी मेहनत है। जब 6 इंच को हथियार अंदर जाएगा ना तब गाने की नसें भी अंदर से आवाज लगाएंगी। अरे बस बस उस्ताद बस, से हिंदू कितनी मरवावे और पसीना तक छूट जाएंगे गाने से पसीना। अरे दर दर बहनचो गंड मरो कहीं को। चुन्नी भाई को राम राम। राम राम, आजा भाई आजा गंजे आजा। और बता कैसे आना हुआ आज चुन्नी भाई के दरबार में? अरे वाह यार, देख रहा हुआ डमरू बहन चो टकला की तो जान पहचान ऊपर तक है। हाँ, फुल बातचीत बनाए रखी है चुन्नी भाई से। अरे चुन्नी भाई, कोई काम धंधो हुए तो बताओ, इलेक्शन को टाइम चल रहा है तो कोई हमारे लायक सेवा पानी तो बताओ, थोड़ा हम भी पैसा कमा ले यार, थोड़ी दया करो चुन्नी भाई, हमारे ऊपर अभी बड़ा गरीबी चल रही है, बड़ा मेहरबानी होगी तुम्हारी। अच्छा काम धंधो चाहिए, काम धंधो तो है पर तुम कर पाओगे? अरे चुन्नी भाई क्यों नहीं, अरे जरूर करेंगे, तुम बताओ तो सही, काम बोलो, काम बहुत जिगरे वाले आदमी है, हम भी दिलेर लौंडे हैं दिलेर। हाँ 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 चुन्नी भाई, कोई काम धंधो बताओ बताओ, अरे कैसो भी काम हो हम सब काम कर लेंगे, गाने मराने को, हथियार चूसने को, तेल चढ़ाई, कुछ भी। खुजली रहेगी, गाने में बहुत बड़ा कीड़ा है ना, गाने मराने को ज्यादा शौक हो तो ज्यादा, तो गाने में किसी दिन लटिया घुस जाएगी 6 फुट की। कहीं कोई बहन में हो तभी गाने मराने को सब भूत उतर जाएगा ऊपर से। हाँ हाँ चुन्नी भाई बताओ बताओ, कौन सा काम बता रहे थे तुम? तेल चटाई वाला काम भी है हमारे पास, अगर करना चाहो, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो कर लो, बताओ दूं काम? अरे नहीं 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 चुन्नी भाई नहीं, ये तो चूतिया है, ये कभी कभी कुछ भी बोल देता है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, बालको बालको। हाँ हाँ चुन्नी भाई, तुम सभी बातों को सीरियस मत लो, तुम हमसे बात करो, हमसे, हम है गैंग के लीडर। अच्छा तो काम ये है कि इलेक्शन चल रहे हैं तो पार्टियों को प्रचार करना है तुम्हें? हाँ हाँ चुन्नी भाई बिल्कुल, अरे बहुत शिद्दत से काम करेंगे हम, तुम काम देखे तो देखो, बताओ कौन सी पार्टी को प्रचार करना है, बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा बताओ तुम? प्रचार करना है बीजेपी पार्टी को, और तुम्हें प्रचार की रकम मिलेगी 1 दिन की 1000-1000 रुपया तीनों को। वारे वारे, इतने में तो हम चुप है जा भसूड़ी के, चुप है जा मत बोले तू। और हाँ पहले ही सुन लो, प्रचार करना है अलग तरीका से, इतना आसान नहीं है प्रचार करना, तुम सोच रहे हो 1000 रुपया फ्री के मिल जाएंगे, फ्री के नहीं मिलेंगे, गांड पूरी घिसनी पड़ेगी पूरी, और प्रचार करना है 12 घंटे। अरे चुन्नी भाई तुम बस तरीका बताओ, हर तरीका से प्रचार करेंगे, पूरी दिलो जान से मेहनत लगा देंगे, शेर ही कह दे हमें भी। प्रचार इस तरीका से करना है कि डायलॉग बाजी तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे तुम्हें डायलॉग सेंड है जाएंगे कि कौन कौन से डायलॉग तुम्हें बोलने हैं, और अपने साथ 10 लड़का रैली में इकट्ठे करने हैं, और पूरे गली मोहल्ला में एरिया में अपने आसपास के क्षेत्र में बीजेपी की डेली रैली निकालनी है डेली, और कोई अगर दूसरी पार्टी को प्रचार होते हुए दिखाई दे रहा है तो उन पे हल्ला बोल देना है, मारना है सालों को। अगर कोई बोल रहा है कि मैं SP को वोट दूंगा या कांग्रेस को वोट दूंगा तो उसको मारना है बुरे तरीका से, वही मारना है, ढेर कर देना है, ओनली बीजेपी 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 होनी चाहिए। अगर कर सको ऐसे तरीका से प्रचार, उठाओ जाने को जोखिम तो बताओ। अरे बिल्कुल चुन्नी भाई क्यों नहीं, अरे गाने फाड़ देंगे हम गाने, अगर कोई दूसरी पार्टी को प्रचार करते हुए दिखाई देगा तो गोली बजेंगी उसकी गाने में गोली। चलो ठीक है, तो लग जाओ जाओ ड्यूटी पे, अभी से काम चालू करो।